सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाज असते. धामणगावडे प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोरोनाचे आपत्ती व्यवस्थापन डॉक्टर विना राम भरोसे. धामणगावडे हे गाव विदर्भाच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर मूलभूत सुविधासह सर्वांगीण विकासासाठी शेवटचा घटका मोजत आहे. राज्य शासन व जिल्हा प्रशासन कोरोनाच्या महामारीस रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लादत असून विविध उपाययोजना राबवित आहे. तर सामान्य नागरिक आर्थिक संकटात असूनही गंभीर परिस्थितीचा सामना करीत आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी महत्वपूर्ण असलेले पोलीस प्रशासन, शिक्षक, पंचायत विभाग, महसूल विभाग व आरोग्य विभागाचा विशेष सहभाग असून आपले कर्तव्य बजावत आहे. परंतु धामणगावडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रा अंतर्गत 19 गावांचा समावेश असून 5 उपकेंद्र आहे व 41,598 लोकसंख्येचे आरोग्य या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर निर्भर असलेल्या या केंद्रात 3 डॉक्टर नियुक्त असून 21 कर्मचारी तैनात आहे. धामणगावडे PHC प्राथमिक आरोग्य केंद्र यहाँ पर सरपंच पति इस नाते से वारंवार विजिट होते रहती है, लेकिन देखा ही जाता है यहाँ पर कि 3 MO होने के बाद में भी 1 ही MO यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं. एक है तड़ेकर महत्रे, दोनों ये दोनों में कभी आते कभी नहीं आते, एक मैडम आते तो दूसरे नहीं आते. इस तरीके से यहाँ का नियोजन ही है, नियोजन कुछ सही तरीके का नहीं. और जो आरोग्य कल्याण समिति है, मुझे लगता है कि उनका भी इसका और कोई ध्यान नहीं है. अभी आज रविवार है, इमरजेंसी में यहाँ पर कोई ना कोई MO अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि पेशेंट आकर यहाँ से वापस जा रहे हैं इमरजेंसी के, लेकिन पूरा PHC प्राथमिक आरोग्य केंद्र बंद है. इस बारे में मैंने बार बार ADO साहब सांगड़े साहब से फ़ोन पर चर्चा की कि यहाँ पर जो MO हैं तीनों उनकी ड्यूटी लगाएं, या फिर अपना क्या कहना है स्पष्ट बने से सरपंच पति इस नाते से या हमारी ग्राम पंचायत प्रशासन को ये बताएं कि उनकी क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ पर आरोग्य की सुविधा बराबर नहीं दी जा रही है, क्यों परेशानियाँ हमारे गाँववासियों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ पर कोई प्रकार की आरोग्य सुविधा नहीं मिल रही. कुछ बोलने जा रहे हैं उनको तो बताते हैं वैक्सीन शुरू है, तो क्या वैक्सीन ही सारा ट्रीटमेंट है? क्या हर बीमारी का इलाज वैक्सीन ही है? वैक्सीन लेने से ही पेशेंट दुरुस्त हो जाएगा? दूसरी बीमारियां भी है, यहाँ पर मेडिसिन पर उपलब्ध नहीं है इस सही तरीके से. जब डॉक्टर ही नहीं है तो मेडिसिन क्या रहेंगी? ये एक चीज़ हमारे नज़र में आ रही है. तो मैं उच्च स्तर के प्रशासन से, आरोग्य विभाग से एक ही अपील करता हूँ कि धामणगावडे इस PHC के अंतर्गत में 19 गाँव है और 41,500 समथिंग लोकसंख्या है. तो इतना बड़ा गाँव और इतना बड़ा परिसर होने के बाद में 3 OMO में से एक तो भी कम अज़ कम हर दिन, संडे हो या शनिचर हो या मंडे हो, वो उपलब्ध होना ही चाहिए. इतनी मैं अपील करता हूँ और इस मेरी अपील को उच्च स्तर के आरोग्य विभाग के डिपार्टमेंट ने बिल्कुल इसकी दखल लेना चाहिए. अगर हमारी इस अपील की दखल नहीं होगी तो हम ज़रूर आंदोलन का मार्ग स्वीकारेंगे, कुपोषण के लिए आगे आएंगे, क्योंकि अभी काल कोरोना का काल है, गंभीर परिस्थिति वाला काल है. और इस काल में आरोग्य सुविधा पर सारे ही डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान लगा हुआ है, और वही सुविधा अगर मेरे गांव को नहीं मिलती है तो जरूर हम लोकशाही मार्ग से आंदोलन छेड़ेंगे. जन सामान्य नागरिकांचे लसीकरणासह अन्य आजारग्रस्त रुग्ण या आरोग्य केंद्रात धाव घेतात. परिसरातील खेड्यापाड्यातील रुग्ण आले असता लसींचा तुटवडा तर औषधांचा अभाव, डॉक्टरांची अनुपस्थिती तर रविवार बंदचा शिमगा अशा अनेक समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. सरपंच पती शेख अलीम कुरेशी यांच्याकडे तोंडी तक्रार केल्या असता दिनांक 16 मे रोजी शेख अलीम कुरेशी यांनी 9:30 ते 10 वाजेच्या दरम्यान प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेले असता बंद अवस्थेत दिसून आले. कायमस्वरूपी डॉक्टरची आवश्यकता असणाऱ्या आरोग्य केंद्रात OPD वेळेनुसार नसल्याने अनेक रुग्णांची हेळसांड होत आहे. वरिष्ठांनी लक्ष देऊन या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध राहण्यास सक्ती करावी, बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे. प्रतिनिधी वसंत जगताप, महाराष्ट्र 24 न्यूज, धामणगावडे, बुलढाणा.